ये ईओडब्ल्यू का ई टेंडर घोटाला जो बोला जा रहा है, घोटाला अलग चीज़ है और टेंडर टेम्परिंग अलग चीज़ है। ई टेंडर टेम्परिंग का ये मामला है। घोटाला उसे कहते हैं जिसमें भुगतान हुआ हो, पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ हो, रुपयों का ट्रांजैक्शन हो, धरातल पे काम हुआ हो। ये 3,000 करोड़ कह रहे हैं, 3 करोड़ का इनके पास कोई वो नहीं है, एक पैसे का भी भुगतान नहीं हुआ। उसको घोटाला कैसे हो गया उसमें जब भुगतान ही नहीं हुआ? तो एक बात, दूसरी बात, ई टेंडरिंग टेम्परिंग का मामला है। टेंडर टेम्पर हमने पकड़ा, इन्हें नहीं पकड़ा। जितने जो अपनी पीठ ठोक रही है कांग्रेस पार्टी, ये सब हमारे टाइम के हमने पकड़े हैं, चाहे व्यापम हो, चाहे ई टेंडरिंग हो, चाहे डंफर हो, ये सब हमारे पकड़े हुए केस हैं। इनने 8 महीने में एक मामला नहीं पकड़ पाया। हमारी बेगुनाही का और ईमानदारी का इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। पूरी सरकार लगी हुई है चरित्र हत्या की राजनीति करने में, पर एक नहीं पकड़ पाई। अब सवाल आता है छोटी छोटी मछलियों का, ई टेंडरिंग टेम्परिंग का। ई टेंडरिंग टेम्परिंग का जिसके पास कोड वर्ड था, इनने क्या उसे पकड़ा, बुलाया? जो लोग टेंडर स्वीकृत करते हैं, PSCS की समिति, उन्हें बुलाया, पकड़ा? नहीं। किसको पकड़ा? एक चपरासी को जो पानी पिलाता था बंगले पे, एक बाबू को जो बंगले पे पदस्थ था, और उसके आधार पर ये डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहते हैं और गलत संस्कृति को जन्म देना चाहते हैं। ठीक सर, नोटिस क्या? जब भी आएगा तब जाएंगे बैंड बाजे के साथ।